Hello friends, Merry Christmas from all of us. And I am going to ये एक्चुअली एक स्पेशल ब्लॉग है, इसीलिए क्योंकि देखिए आप पीछे देख सकते हो, मैं अभी निकला हूँ अपने फैमिली के साथ क्रिसमस को मनाने. ठीक है, अभी 25th की इवनिंग है. शायद जब आप ये देख रहे होंगे 25th हो गया होगा, आप भी एंजॉय कर लिए होंगे. तो इट्स लाइक वी आर वेरी एक्साइटेड. पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अचानक से प्लान बना. हम लोग सुबह एक मूवी देखने गए थे, एक बंगाली मूवी है आमी बोल. तो हम लोग फिर सोच रहे थे कि इवनिंग में क्या प्लान बनाए. हम लोग सोच रहे थे कि पार्क स्ट्रीट जाएंगे, पार्क स्ट्रीट मम्मी पापा को लेके जाएंगे, लेकिन हम लोग पार्क स्ट्रीट नहीं जा पाए क्योंकि पार्क स्ट्रीट में जो कार्स जो है कार्स बंद हो गए. कार्स को अभी अलाउ नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पे, तो इसलिए कार्स को अलाउ नहीं करता है. तो हम लोग अभी सोचे क्या करें. तो फाइनली हम लोग अभी बाहर घूमने जा रहे हैं और अभी आपको अपडेट करते हैं हम कहाँ जाते हैं. पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम तो कहीं ना कहीं जाएंगे और आपके साथ वो शेयर करेंगे. फिर हम नेक्स्ट में अब बताते हैं, अपडेट करते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं. अभी तो हम लोग न्यूटन की तरफ जाएंगे, फिर बताते हैं आपको. चलिए, तो रूषा को पूछते हैं. रूषा का कोई आइडिया है कहाँ हम जा रहे हैं? रूषा, कोई आइडिया है तुम हम लोग कहाँ जा सकते हैं? अभी तो हम न्यू टाउन में जाएंगे. न्यू टाउन का जो रास्ता है वो बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं, तो पहले वो सजा वो लाइट हम देखेंगे ना. हाँ, उसके बाद किसी ढाबे में खाएंगे. अच्छा, ओके. सिंहू ढाबा में हम लोग क्या खाएंगे? चिकन भरता. मुझे नहीं पता, आप जो भी खिलाओगे. ये जो अभी है ना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यार. ट्रैफिक हमेशा कलकत्ता में एक इशू है ट्रैफिक का. पता है मेरी मम्मी पीछे बैठी है और मास्क पहन के बैठा है मेरा पापा. तो मतलब ट्रैफिक खत्म हो जाएगा सामने, थोड़ा खाली जगह जाएंगे, थोड़ा अच्छा रोड मिलेगा, तो आपको हम रोड का भी व्यू दिखाएंगे कैसे सजा है कलकत्ता क्रिसमस में. अगर आप कलकत्ता में रहते हो तो अच्छा है, अगर आप नहीं रहते हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कलकत्ता में कैसा क्रिसमस मनाते हैं लोग. अभी दिखाएंगे कि हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं. खूबसूरत जगह पे आ गए हैं. प्लान नहीं था, तो मैं सोचा कि यहाँ पे आएंगे तो शायद अच्छा लगेगा. जगह है इको पार्क, आपको पता होगा अगर आप कलकत्ता में रहते हो तो. इको पार्क के जो पीछे वाला साइड है ना, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है. मैं आपको उसका एक टूर करवा. हे गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं. मतलब ये जगह जो है ये बहुत ही स्पेशल जगह है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले मैं पहले मेरे एक दोस्त के साथ रनिंग करने आता था. और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही शांत है, उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है इसमें, और इसीलिए मेरे को ये जगह बहुत पसंद होता है. और अभी हम लोग आपको थोड़ा दिखाएंगे कि जगह कैसा है, आपको बहुत मज़ा आएगा. और ये रहा अब सब मेरी मम्मी पापा. हेलो पीहू, ये क्या पहनी हो तुम? सेंटा स्पेशल है ना. आइए सेंटा. हाँ, आप सब खड़े हो जाओ. हम लोग खड़े हो जाएंगे. फोटो सेशन हो रहा है, उसके बाद मैं बैक करता हूँ. हेलो पीहू, क्या कर रही हो? याद चल रही हूँ. चल रही हो ना? ये देखो. अरे ये बहुत खूबसूरत बनाया है, देखा? देखो ये क्या है. वाओ, दिस इज अ नाइस स्टैंड. आई मीन एक बनाया है, ये आप समझ सकते हो कि नहीं समझ नहीं आ रहा है.
ये कलकत्ता का जो भी है, ये जो फोटोज वगैरह आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे माँ काली गिफ्ट हाउस, एक छोटा सा एक पेंटिंग जैसे बना है। पुराना था, जब पुराना कलकत्ता में कैसे लोग रहते थे और क्या क्या कैसे कैसे वो लोग ड्रेसेस पहनते थे, और ये है अपना कल्चर, पुराना कल्चर। ये है अपना जय माँ काली, ये माँ काली है अपना, जिसको मैं मानता हूँ, सब कुछ है मेरे लिए माँ काली, जय माँ, जय माँ। ये महादेव है, और ऐसा देखिए सब बैठा। अभी हम आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम लोग और क्या क्या एंजॉय करते हैं। How are you enjoying, Rusha? Very nice. This is a nice plan. It is unplanned things are always good, you know. This was never planned. So we just thought, let's go out and drive. कहीं तो पहुंच जाएंगे कि भगवान तो लेके चले जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पहुंच गए। अभी हमको दिखाते हैं अब हम क्या खाएंगे, कैसे घूमेंगे। Stay tuned for this. ये देखो फ्रेंड्स, ये है कलकत्ता का आईफिल टावर। लेकिन ये बिल्कुल आईफिल टावर जैसे दिखते, सच बता रहा हूँ आपको, भड़ा के नहीं बोल रहा हूँ। अभी लाइट है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा नीचे देख सकते हो। दिस एग्जैक्टली लुक्स लाइक द आईफिल टावर। और ये जो है आपका बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये पूरा जो है उधर है इको पार्क, जो आप लाइट देख रहे हैं नीचे, दैट इज इको पार्क। और वो जो है वो बहुत लाइट दिख रहा है आपको, लाइन से लाइट लगा हुआ है। दैट इज़ द वे टू गो टू कैफे कांथे, इट्स अ रेस्टोरेंट इट विच इज एब्सोल्युटली प्लेस्ड in the middle of the lake, and this is a huge lake. This lake is really really huge one, you can see. I'll just take you there. It's a huge one, it's a huge lake, you can see. Yeah, it's a huge lake. Bahut hi khoobsurat nazara hai. Aur yahan apna Eiffel Tower, to abhi hum to bahut enjoy kar rahe hain Christmas. थोड़ा अलग से, थोड़ा शांति से, ज़्यादा पार्टी वार्टी नहीं कर रहे हैं, लाउड म्यूज़िक नहीं है, लेकिन एंजॉय तो हो रहा है। दिखाते हैं यहाँ पे क्या फूड का क्या ऑप्शंस है। तो हमें आते वक्त देखते थे कि कबाब बन रहा है, पूरा लाइव कबाब बन रहा है, तो हम एक बार लाइव कबाब का काउंटर में जाएंगे, जाके आपको दिखाएंगे कि कैसे कबाब बन रहा है। ये मेरे इस तरफ मामी है और इस तरफ पीहू है। पीहू क्या पहनी हो? अरे ठंड लग रही है उसको। तो ये मम्मी मेरे हाथ पकड़ के जा रही है और ये बोल रही थी कि देखो, जब मैं तुम बच्चे थे, छोटे थे, तब मैं तुम मेरे हाथ पकड़ के चलते थे, अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रहा हूँ। तो मम्मी को मैं बिठा दूंगा। यहाँ पे काफ़ी सारा चेयर्स है, एक ढाबा जैसा फीलिंग दिया इसको, देख सकते हो आप। जैसे खटिया लगा हुआ है और ये जो है चेयर्स हैं। पीहू क्या कर रही हो? अरे पीहू यहाँ पे सो गई। अरे बाप रे, मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। हाँ ये देखो, इसको तारे बोल रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है पीहू को, बहुत मजा आ रहा है। दिखाते हैं क्या क्या खाने का ऑप्शन यहाँ पे है, हम आपको दिखाते हैं। ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आपको, दिख रहा है। एक अलग ही माहौल है, खाने का ऑप्शन है, अंदर भी है, एक ढाबा है यहाँ पे। अब मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्या क्या खाने का ऑप्शन है। ये एक ढाबा है और यहाँ पे एक लाइव काउंटर है, देख सकते हो, इज अ लाइव काउंटर है। बहुत सारा खाने का ऑप्शन है, ओपन बना रहा है, और यहाँ पे आप बैठ के ऑर्डर कर सकते हो। क्या क्या खाने का ऑप्शन है हम देखते हैं, क्या क्या खाने का ऑप्शन है। ये है मेनू, कबाब है, अंडे शंडे चिकन है, ये क्या है पता नहीं, वो चिकन भरता है, वो जिस चिकन में अंडे का है, मटन भी है, फिश है, तड़का है, सब्जियां हैं, और रोटी का ऑप्शन है, राइस का ऑप्शन है, काफ़ी सारे ऑप्शन है, बहुत ही मस्त है। और इसका एक अंदर भी एक है, आप बाहर से अंदर भी बैठ के खा सकते हो और बाहर ही बैठ खा सकते हो, आप लोग तो बाहर ही बैठ के खाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, खाना का भी क्वालिटी तो अच्छा लग रहा है खुशबू से। अब पता नहीं कैसे होगा, लेकिन आई एम 100% श्योर दिस इज गोइंग टू बी फन।
we are going to like this. Let's see what happens. I will show you क्या क्या खाने का ऑप्शन, मतलब क्या क्या हम लोग क्या क्या ऑर्डर करते हैं और खाने का क्वालिटी कैसे इन्जॉय कैसे करते हैं. ठीक है, चलिए. तो हम लोग अभी जा रहे हैं, ये है ढाबा जानते, तो बैठेंगे और ऑर्डर करेंगे, देखते हैं क्या है इसमें. नहीं होगा तो उधर बैठते हैं और एक से चेयर लेना पड़ेगा, मतलब टेबल बहुत ही छोटा है यहाँ पर. हम देखते हैं कहाँ पर बैठे हैं. काफी अच्छा जगह है लेकिन पीयू को ठंड लग जाएगी. अरे मजा आएगा. Hi guys, so finally we've settled down. यहाँ पे बैठ गए, डिनर करेंगे. तो हम आपको मेनू दिखा चुके हैं ऑलरेडी क्या क्या मेनू. तो हमें अभी हम लोग ऑर्डर किए हैं, एक तंदूरी चिकन ऑर्डर किए हैं, एक टिक्का कबाब ऑर्डर किए हैं, और हम ऑर्डर किए हैं चिकन भरता, दाल मखानी और रोटी. अभी देखते हैं ऐसे इसका टेस्ट क्वालिटी क्या है. तो प्राइस आर ऑन हायर साइड तो अच्छा होना चाहिए. ये रहा अपना तंदूरी चिकन, ये रहा अपना तंदूरी चिकन. लुक्स रियली रियली डिलीशियस. देखो तंदूरी चिकन. अच्छा, मैं पापा को थोड़ा सा दे दूँ, मैं बोलो कि खा लेना. पीहू टेस्ट करके बताओ कैसा है. मैंने टेस्ट किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है ये. हाउ इज इट? वेरी गुड. नाइस. नाइस नो? वेरी नाइस. दूसरा आइटम अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, पहले इसको खाते हैं, दूसरा आइटम वेट करते हैं. मम्मी को नहीं मिला, मम्मी तंदूरी चिकन नहीं खाते, उसका अंडा हड्डी रहता है, मम्मी को चाहिए बोनलेस. चलिए हम एंजॉय करते हैं. ये रहा दूसरा पीस चिकन टिक्का कबाब, इसको भी हम लेते हैं चिकन टिक्का कबाब. पीहू क्या हो गया? बहुत मिर्ची लग रही है. तीखा है क्या? वाओ टेस्टी है ना, टेस्टी है, तीखा भी है ना. हमने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया, कोल्ड ड्रिंक नहीं आया. देखिए न्यू स्टाइल ऑफ ईटिंग है. देखिए एक हाथ में चिकन और एक हाथ में पार. अभी कब देखिएगा, कभी न्यू स्टाइल ऑफ ईटिंग है. खाना टेस्टी था लेकिन बहुत ही तीखा है, बहुत ही तीखा है. इतना तीखा खाना अभी, मतलब टेस्ट भी लग रहा है लेकिन काफ़ी तीखा भी है. अगर आपको थोड़ा तीखा खाना पसंद है तो यू विल डेफिनेटली गो लाइक इट. अगर नहीं है तो पहले से बोल दिया कीजिए कि थोड़ा तीखा कम देने के लिए, तभी शायद आपको सही मिलेगा. आप लोग कमेंट कर दीजिए. हाँ बोलो, इधर आओ. आप लोग कमेंट कर दीजिए. और आप लोग कमेंट कर दीजिए. और मुझे भी तीखा पसंद है पर उतना तीखा नहीं पसंद. तो आपको अगर दुनिया भर का तीखा पसंद, दुनिया भर में तीखा पसंद है तो ही इस रेस्टोरेंट में आना. सही बात है. एक्चुअली ढाबा का खाना थोड़ा तीखा होता है, पंजाबी खाना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तीखा हो गया. चलिए दूसरा डिश के लिए ऑर्डर वो वेट कर रहे हैं. अगर आता है तो हम बताते हैं उसका टेस्ट कैसा है. ये आ गया रोटी, प्लेन रोटी. ये आ गया दाल मखानी और ये गया चिकन भरता. मैं भरता तो मुझे बहुत फेवरेट है, मैं भरता खाऊंगी. उस दिन भी बोल रही थी ना भरता खाना है, आज भरता ऑर्डर किया है. देखते हैं यहाँ का भरता कैसा है, ये तीखा है या नॉर्मल है, हम आपको बताते हैं. देखते हैं. थैंक यू. ओके, इसका टेस्ट कैसा है? दाल मखानी हम लिए हैं, देख सकते हो बहुत गर्म है. देखते कैसा है. पहले कुछ चीज़ खा लेते हो ना तो आपको हर चीज़ सिखाए लगेगा. कोई जुआन जो जल चुका है लेकिन टेस्ट है, सच में टेस्ट है.
थोड़ा पूरी भी था दाल मखान इज टेस्टी और रोटी थोड़ा पतला है लेकिन टेस्टी। अभी हम चिकन भरता खा के बताते हैं आपको कैसा। सेम प्रॉब्लम है, खाना टेस्टी है, बहुत तीखा है, मतलब बहुत ज़्यादा तीखा है, यू खा नहीं पाई। तो अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप यहाँ पर आइए, नहीं है तो फिर यू डोंट लाइक, क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो तो आपको हर जो तीखा खाना चाहते हैं, जो नॉर्मल खाना सादा खाना चाहते हैं, सबके लिए बनाना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा तीखा दे दोगे खाने में तो टेस्ट कहाँ से मिलेगा आपको। तो आई कैन ऑफ डिडंट लाइक इट। हाय, खाना हो गया, अभी हम निकल रहे हैं। नहीं, अकेले नहीं है, अभी सर लोग अभी भी बैठा हुआ है, थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन अभी क्रिसमस नाइट है। देखो कौन है ये, ये कौन है, ये पीहू है, पूरा ढक चुका है। कैसा लगा? फाइन। मम्मी को भी तीखा पसंद है, सिर्फ मुझे ही पसंद नहीं है। पापा कैसा लगा? अच्छा तो लगा, बाद में तो और क्या बोले। उनको प्राइस में लगा थोड़ा, खाना थोड़ा प्राइसी लगा। पापा थोड़ा पसंद करते थे सस्ता में जितना अच्छा हो सके, लेकिन खाना थोड़ा प्राइसी लगा, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी। हाँ, पूहू को इतना ज़्यादा पसंद आया, ये बाहर मतलब अंदर नहीं, बहुत ही पिस्टो हो रही थी, लेकिन बाहर इतना पसंद आया कि उसको यहाँ पे यहाँ से जाना ही नहीं है। देखो सब चला गया, सिर्फ मेरा जो ब्लैक पैंथर अकेली खड़ी है, देखो सब चला गया यार। हाँ, बेचारा ब्लैक पैंथर अकेली खड़ी है, और एक आखिरी गाड़ी थी वो भी निकल रही है, समझ गए, एक पूरा जगह खाली हो चुका है। तो हम लोग निकलेंगे और जाइए, हम लोग निकलेंगे, फिर देखते हैं कौन सा कहाँ जाना है। अभी तो और वो वाला गाड़ी भी जा रहा है, काफी सारा खाली हो चुका है, देखो पूरा गाड़ी भरा हुआ था, सब चला गया। अंदर चला जाओ पिनू, हम लोग अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। मम्मी इतना पैदल नहीं आ पाएगी, तो पैर में दर्द ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो मैं गाड़ी लेके उनको पिकअप करके निकल जाऊंगा। ठीक है, चलिए हम पहुंच गए घर। गुड नाइट। हम लोग बहुत एंजॉय किए, अनप्लान्ड था, मम्मी पापा को लेकर निकलने थे दूसरी जगह, पार्क स्ट्रीट जाना था, लेकिन चले गए दूसरी जगह इको पार्क, लेकिन मज़ा बहुत आया, खाली में एंजॉय किए, मतलब उतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, और जितना कम क्राउडेड प्लेस में एंजॉय करने एक मतलब टैलेंट है कलकत्ता में, स्पेशली ड्यूरिंग एनी फेस्टिव सीजन, राइट। सो अभी देख सकते हो पीहू जो है सो गई है पूरा, एकदम बिल्कुल नींद में है बेचारी। तो मैं अभी गाड़ी को गैरेज करके उसको लेके जाना पड़ेगा मुझे ऊपर रूम पे। तो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस ब्लॉग, आई होप यू लाइक दिस द वे वी हैव एंजॉय, एंड लेट्स प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज वी हैव बीन यू नो गिवन अ लॉट ऑफ videos, but it's like you're not getting enough subscriptions, so please guys do subscribe, niche jo red button hai subscribe subscription ka wo tar daba dijiye aur subscribe kijiye channel ko aur bell icon bhi daba dijiye ga please, taki hum log jitna bhi apna video dale aapke paas aate rahe aur aap apna pyar aur mohabbat dete rahe aur video ko like karte rahe। Thank you, good night and merry 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 christmas to all of you guys, bye।